स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल आई टी आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास है और फर्स्ट ईयर की क्लास है और जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और हम लोग थ्योरी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। थ्योरी की क्लास 7-8 क्लास हुई है और इसमें से चालक अचालक अर्धचालक पढ़े थे, बिजली के प्रकार पढ़े थे और हम लोग बहुत सारे इसमें विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, परमाणु संरचना क्या है, सारी क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हो चैप्टर बाय चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बन गई है तो आप लोग वहां से सीधे देख सकते हो। अब अपन जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे थे और एक क्लास ऑब्जेक्टिव की भी हो गई है जिसमें से अपन 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज अपन चल रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, यानी 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इसके पिछले वीडियो में दिया गया है, आप पिछली क्लास में देख सकते हो और आज अपन इसमें से चलते हैं। इसमें से 25 से 26 क्वेश्चन आज भी है और इसको आज अपन कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। और ऐसे जो जैसे आप थ्योरी पढ़ लिए हो, थ्योरी पढ़ने के बाद नोट्स बनाए होंगे, अब नोट्स बनाने के बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं क्या मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो थ्योरी में पढ़े हैं वही ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव का लेवल क्या होता है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आइए अपन सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले 25 क्वेश्चन तक अपन यहाँ तक कंप्लीट करा लिए थे और अपन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया आज का, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है। अपन ठोस चालक की अपेक्षा जो आदर्श चालक है उसके प्रॉफिट बताना है। जैसे ऑप्शन ए है अधिक लचीलापन, ऑप्शन बी है अधिक सेक्शन का अधिक क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी है अधिक वजन। जैसे ठोस चालक की अपेक्षा जो आदर्श चालक होता है ये अधिक लचीलापन होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ये है, अचालक पदार्थ में इंसुलेटिंग मटेरियल्स, अचालक पदार्थ में इंसुलेटिंग मटेरियल के तापमान गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान होता है। जो अचालक पदार्थ है इंसुलेटिंग मटेरियल के तापमान गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान बताना है। और जैसे कि मैंने बताया मित्र, चालक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अचालक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अर्धचालक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे अचालक पदार्थ बोला है, मैंने जब थ्योरी की क्लास पढ़ाया था जिसमें से अचालक यानी इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ाया था तो उसमें से बता दिया था। अब अपन चलते हैं, पहला नंबर है नियत, दूसरा नंबर शून्य, तीसरा नंबर है धनात्मक, चौथा नंबर है ऋणात्मक। क्वेश्चन पूछे हैं अचालक यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी जब हम अचालक का तापमान, अचालक जो मटेरियल है उसका तापमान बढ़ाएंगे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। यदि यहीं पे चालक होता है, चालक का तापमान बढ़ाते तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। यहीं पे यदि अचालक पूछता, यदि आप से कंडक्टर मटेरियल पूछता तो इसका राइट आंसर सी नंबर होता है धनात्मक। यहाँ पे आपसे पूछा है इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऋणात्मक होता है अचालक का, चालक का होता है धनात्मक। क्लियर। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 बोला है पीवीसी अचालक के वर्ग से संबंधित है। जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड अचालक के वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए है ठोस अचालक, ऑप्शन बी है द्रवी अचालक, ऑप्शन सी है गैसी अचालक, ऑप्शन डी है ये सभी। पीवीसी अचालक जो होता है ये द्रवी अचालक के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर, एक विद्युत रोधक पदार्थ अचालक का मूल गुण होना चाहिए। मैंने चालक का मूल गुण पढ़ाया था, अचालक का मूल गुण पढ़ाया था। जब अचालक का मूल गुण पढ़ाया था तो उसमें से ये पढ़ाए थे ऑप्शन, जैसे ए दिया है निम्न वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी दिया उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन सी दिया निम्न विद्युत प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी दिया जल श्लेष्यता।
इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए अचालक मटेरियल का। एक अचालक मटेरियल का उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी तत्वों को डैश डैश एवं डैश डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। जो सभी तत्व है, पहला है चालक धात्विक, यानी सभी तत्वों को चालक एवं धात्विक गलत, पॉलीकॉलिन, चालक अचालक, धात्विक अधात्विक। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सभी तत्वों को धात्विक एवं अधात्विक वर्गों में विभाजित किया गया है। जो सभी तत्व है, सभी तत्वों को धात्विक एवं अधात्विक वर्गों में विभाजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण प्रॉपर्टी अचालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा गुण है जो इंसुलेटिंग मटेरियल पर नहीं होना चाहिए। पहला है निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दूसरा है उच्च प्रतिरोध, तीसरा है सिरदिर, चौथा है उष्मा को विकसित करने योग्य। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। करेक्ट, यानी जो प्रॉपर्टी होती है नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोला नहीं होना चाहिए, तो ये निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी सही हो जाता है। उच्च प्रतिरोध सही है, मजबूती सही है, उष्मा को विकसित कर दे सही है, मगर यह कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जगह हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है। पहला है फाइबर, दूसरा है कागज, तीसरा है रेजिन, चौथा कॉटन टेप। निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है। कागज एक लचीला अचालक है, रेजिन एक लचीला अचालक है, कॉटन टेप एक लचीला अचालक है, फाइबर लचीला चालक नहीं है। राइट आंसर ये ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। तापमान यदि हम बढ़ा रहे हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस घटेगा। सबको मालूम होना चाहिए यह होता है कार्बन। कार्बन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस एक अर्धचालक डिवाइस है। यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। यदि हम टंगस्टन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साथ साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। नाइक्रोम का तापमान बढ़ाएंगे तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मैग्नीन का तापमान बढ़ाएंगे तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मगर कार्बन का यदि हम तापमान, कार्बन को हीट करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी और चालकता बढ़ेगी। यानी हम कार्बन को गर्म करेंगे, इसकी चालकता बढ़ती है, रेजिस्टेंस घटता है। क्लियर। 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 34 नंबर है, अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी है सुदृढ़ता, ऑप्शन सी है आघातप्रदता, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। अच्छे अचालक गुड इंसुलेटर में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। एक अच्छे इंसुलेटर में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तन्यता है, खिंचाव बल होना चाहिए कि हम एक इंसुलेटर को खींचे वो खिंचा जाए। सुदृढ़ता है, मजबूत होना चाहिए। आघात प्रदता है, फैलने वाला होना चाहिए। डी यानी इसका सही, तीनों ऑप्शन इसके सही है। राइट आंसर डी नंबर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। यहां पे कुचालक और सुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए रबर दिया है, ऑप्शन बी तांबा दिया है, ऑप्शन सी एबोनाइट दिया है, ऑप्शन डी बेकेलाइट दिया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। एबोनाइट जो होता है कुचालक होता है, मगर सुचालक नहीं होता। एबोनाइट कुचालक है,
और डी नंबर भी कुचालक है। तांबा जो होता है सुचालक है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इसीलिए इसमें बिजली फ्लो हो सकती है, वह विद्युत का सुचालक मटेरियल है। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी बी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है टंगस्टन। यहाँ पे ए है, इसको बी कर लेना और इसको सी कर लेना ऑप्शन में। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी टंगस्टन। अर्धचालक पदार्थ सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात किया गया है, सेमीकंडक्टर के रूप में निम्न में से किस तत्व को प्रयोग किया जाता है? सबको मालूम है सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। राइट आंसर लीजिए बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? सबको मालूम है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यदि इसका टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो चालकता भी कम ज्यादा होगी। चालकता तापमान से बढ़ती है, ऑप्शन बी है चालकता तापमान से बढ़ती है, तापमान के कारण परिवर्तन नहीं होती, डी नंबर तापमान के कारण स्थायी रहती है। इसका नंबर बी नंबर होगा, चालकता तापमान से बढ़ती है। अर्धचालक की बात किया है, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम मटेरियल होते हैं, ये होते हैं अर्धचालक। यदि इनको हम हीट करवाते हैं, ये नॉर्मल अवस्था में सामान्य अवस्था पे जो अर्धचालक होता है ये अचालक की भांति काम करता है। जब इसको हम हीट करते हैं यानी टेम्परेचर देते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कम होती है और जो चालकता होती है बढ़ती है। यानी जब तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ती है, तापमान बढ़ाने से चालकता की कन्वेक्टिविटी बढ़ती है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो घटती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी चालकता आसानी से बढ़ेगी, जिसमें से हमारा करंट आसानी से फ्लो होगा। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई वोल्ट होती है, इसका प्रतीक भी होता है, सबको मालूम होगा। किस सूत्र को उपयोग किया जाता है, इसका फार्मूला पूछो। फार्मूला बहुत इजी है, पहला है EMF बराबर विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी है EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, सी है EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप बटे 2, EMF बराबर विभवांतर प्लस 2 * वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रवाह, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी है गैस आयनीकरण प्रभाव। इसका जो राइट आंसर होगा गैस आयनीकरण प्रभाव होगा। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। नियोन लैंप की बात किया है, नियोन लैंप में मैंने बताया था जो हमारा टेस्टर होता है, टेस्टर में नियोन लैंप ही लगा होता है। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव, नियोन लैंप में ही टेस्टर लगा होता है, लैंप वो गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे कॉपर परमाणु के अबंध में चक्र कितने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो प्रभाव होता है इसको रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? ऑप्शन ए दोहरा कुचालक, ऑप्शन बी कार्यात्मक कुचालक, ऑप्शन सी प्रबलित कुचालक, ऑप्शन डी पूरक कुचालक। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर कार्यात्मक कुचालक।
नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम अलग से क्लास में बता देंगे। अभी देखिए प्रश्न पढ़ लो और आंसर सुन लो। 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप हैं, 200 वाट के और 240 वोल्ट के दो लैंप अपने पास है। 240 वोल्ट सप्लाई से हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, कुल शक्ति ज्ञात करना है, टोटल पावर बताना है। तभी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 नंबर की। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा 625 ओम होगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालना है। 500 वाट के लैंप है, यदि 5 घंटा जला रहे हैं तो उसकी रेटिंग निकालना है, विद्युत ऊर्जा की खपत निकालना है कि विद्युत ऊर्जा कितनी खपत हुई है। इसका राइट आंसर होगा 2.5 यूनिट। ये अलग से आपको क्लास में करवाना है। नेक्स्ट है तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबा का जो परमाणु संरचना होती है उसकी तीसरी कक्षा में, जैसे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 2, 8, 18, यानी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि तीसरी कक्षा को जो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी यूरेका, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैग्नीन। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी अभ्रक। ऋणात्मक तापमान बोलता है ऋणात्मक कोएफिशिएंट जो टेम्परेचर होता है अभ्रक का ऋणात्मक होता है, यदि तांबा होता है तांबा का धनात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक है सेमीकंडक्टर मटेरियल। पहला ऑप्शन यूरेका दिया है, बी दिया है एमोनाइट, सी दिया है मैग्नीन, डी दिया जर्मेनियम। सबको मालूम है जो अर्धचालक मटेरियल है जर्मेनियम, ये अर्धचालक मटेरियल है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 40 से 50 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिए। आईटीआई से जो एग्जाम होते हैं पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। थ्योरी मैंने पढ़ाई दिया है, अब आपको वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग पढ़ाएंगे। वैद्युतिक केबल क्या है, इलेक्ट्रिकल केबल क्या है, सोल्डरिंग क्या है, ये आगे वाले नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर है 5। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।